जानते हैं कि 2014 का ये 2017 का जो चुनाव है दो तीन महीने में आएगा और अब सीटें भी फाइनल हो रही हैं अलग अलग पार्टियों की, तो ये जो इलाका है काफ़ी अलग है, शहर से काफ़ी अलग है, जंगल के बीचों पड़ता है। जी जी। तो चुनाव जब आता है, जब आपको पता लगता है चुनाव होने वाला है, तो आपको क्या एहसास होता है? आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में चुनाव की वजह से कोई फ़र्क आएगा? राजनीति से कोई फ़ायदा होता है आपको? जी, हमें सब को फायदा नहीं अभी तक हुआ, आगे क्या पता हो सके या नहीं हो सके, अभी तक तो कोई फ़ायदा नहीं। पहले तो कहते हैं कि फ़ायदा करेंगे, जब जीत जाते हैं तो कोई फ़ायदा नहीं होता है। ये जो अलग अलग सियासी पार्टियां हैं, राजनीतिक पार्टियां हैं, जी जी, उसके नुमाइंदे, उसके लोग आते हैं यहाँ पे आपके पास? आते हैं जी। कौन कौन सी पार्टी के लोग आते हैं? कांग्रेस भी आती है, तो समाजवादी, बीजेपी भी आती है, तीन पार्टी आती है। और भी कोई पार्टी आती है इसके अलावा? ना, और कोई पार्टी नहीं आती। एक पार्टी बीएसपी है, बसपा, वो कभी आई है आपके पास? भाजपा आई है जी। बसपा बहुजन समाज, मायावती जी वाली जो है, आई है जी। आई है जी। अच्छा अच्छा। तो कौन लोग आते हैं इन अलग पार्टियों के आपके यहाँ? हमारे यहाँ जी नाम तो जानते नहीं, एक तो इमरान आता है। हाँ। एक उमर अली खान आता है। अच्छा अच्छा। एक बाला मेहसी है। हाँ, हाँ, ये आते हैं। हाँ। और इसके अलावा भी और कोई पार्टी आती है यहाँ पर? आती है जी, नाम तो जानते हैं। जब ये पार्टियाँ आती हैं आपके यहाँ, तो आपसे क्या बात करती हैं, क्या बोलती हैं आपसे? हमसे ऐसे कहती है कि आप हमें दी वोट, हमको साथ देना, तो हम आपका सुधार करेंगे, वो सुधार करेंगे। पहले तो सब कुछ बोलते हैं, जब जीतते हैं या हारते हैं तो कुछ पता नहीं लगता है, फिर बाद में कोई बात नहीं पूछते। अच्छा, तो ये हमेशा ऐसा ही होता है कि वोट के टाइम आते हैं? जी जी। उसका कोई कुछ नहीं पूछता? उसका उसका क्या, जब जीत जाते हैं ये अलग अलग पार्टी के लोग, जो भी जीतता है उसके पास आप लोग कभी गए हैं कि भाई आपने वो वादा किया था पिछले चुनाव में, तो आप तो टाइम आ गया, आप जीत गए हैं, तो उस वादा को पूरा कीजिए? आप लोग जाते हैं, कोई यहाँ से जाता है? हाँ जाते हैं जी। तो क्या कहते हैं? कहते हैं कि देखते हैं आस्ता आस्ता, ऐसे ही कहते हैं कि देखेंगे कुछ ना कुछ, तो बस ऐसे ही टाइम पूरा कर देते हैं। अच्छा जी। कुछ हमें इस बारे में बताइए कि जैसे जो पार्टियाँ आती हैं, तो आप क्या मांगे रखते हैं उनके सामने? जैसे आपका जो इलाका है जी जी, इस पे क्या परेशानियाँ हैं, क्या सुधार चाहते हैं आप? हम सुधार तो चाहते हैं कि नंबर एक बार हमें पहले जमीन मिल जाए, तो पानी का सुविधा हो जाए। हाँ। तो इनमें से तीन सुविधा में से कोई भी सुविधा नहीं है। अच्छा, तो क्या किसी और गांव में, जो आप लोग के गांव है, किसी और गांव में सोलर लाइट मिली है? हाँ मिली है। कहाँ पे मिली है? ये मगनपुरा पे गांव पड़ता है। अच्छा। वहाँ का प्रधान है सलीम। हाँ। तो उन्हें सोलर लाइट दिए। हाँ। पूरे गाँव में। हाँ। तो हमारा प्रधान से पहले तो कहा कि मैं कुछ ना कुछ करूँगा आपके लिए, आपके एक एक पट्टा जमीन का करूँगा आपके नाम। तो जब वो जीत गया तो वो कहीं भी नहीं है। किस पार्टी से आपके प्रधान, किस पार्टी के करीब है? हमारे जो इसके महानपुर के नहीं, यहाँ के जो आपके इलाके के प्रधान है, यहाँ पे आपका ये किसको क्या कहते हैं, गांव कहते हैं इसे, क्या कहते हैं? हाँ, गांव में पड़ता है, पाशाबाई गांव है। पाशाबाई गांव के अंदर पड़ता है। जी जी। तो ये जो है इसका प्रधान जो है वो कौन है अभी? वो यहीं पाशाबाई का एक है, तो मुसलमान है। हाँ। तो यहीं का एक तो मुसलमान है, तो वो आपके पास आते जाते हैं, आप मिलते हैं आप लोगों से आके? पहले तो जी काफ़ी बार है जब लश्कर का टाइम, तो फिर उससे बाद तो आते नहीं। अच्छा, तो मान लीजिए कि ये मुसलमान है, ये भी कुछ नहीं करते हैं, ये भी जो हिंदू है वो भी कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं करते। तो ऐसा आपको क्यों लगता है, ऐसा क्यों होता है? पता नहीं जी, क्या वजह है? है पहले तो दे देते हैं कि हम वो कुछ सुविधा करेंगे आपके। हाँ। वो करेंगे। हाँ। तो जब जीत जाते हैं तो कोई भी बात नहीं पूछते, वो चाहे मुसलमान लीडर हो चाहे हिंदू लीडर हो, उससे कोई फर्क नहीं। कोई भी लीडर हो जी। आप कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, ठीक है। तो और बताइए, आसपास बच्चे कहाँ जाते हैं स्कूल पढ़ने का, कहाँ जाते हैं लोग स्कूल? कहीं जाते हैं जी, एक हाफिज रखा है यहाँ पे। हाफिज जी हैं? जी जी। तो उसके पास जाते हैं, वो उर्दू पढ़ा सकते हैं। यहीं आते हैं वो? जी। तो यहीं शाम को पढ़ते होंगे? जी। हाफिज जी कहाँ से आते हैं? हाफिज जी उधर का है, गंगो का। गंगो के कहाँ रहते हैं वो? यहाँ वो ऊपर जा रखे हैं पढ़ाने, शाम को यहाँ पे आ जाते हैं। शाम को यहाँ आते हैं जी। तो क्या पढ़ाते हैं हाफिज जी? उर्दू पढ़ाते हैं जी। और उसके अलावा और कुछ, कहाँ किस क्लास तक पढ़ते हैं बच्चे यहाँ पर उनसे? ये अलिफ बाता से पढ़ते हैं जी। अच्छा, उर्दू की तो अलग क्लास होती है। हाँ। तो अलिफ बाता से पढ़ते हैं, उसे हिंदी की भी कराते हैं थोड़ी थोड़ी पढ़ाई। अच्छा, ए आ से। अच्छा, कितने लोग रहते हैं इस गांव, इस इलाके में? इस इलाके में तो ऐसे जी 20-25 घर। 20-25 घर जी। तो हर घर में मान लीजिए कि 8-8, 10-10 लोग होंगे, तो कितना, 150 लोग होंगे टोटल मिला के? हाँ जी, 125-150 के आसपास। जब यहाँ वोट की हुआ होती है ना, तो 150 वोट है यहाँ पे। अच्छा, 150 वोट है यहाँ पे।
आपने क्या किया, आपको पढ़ाई की है आपने? थोड़ी बहुत ही कर रखी है, जो उर्दू की तो पूरी। सबसे ज्यादा पढ़ा लिखा व्यक्ति कौन हो गया जिसने सबसे ज्यादा पढ़ाई की है? आपके 150 जो वोट है इसपे सबसे ज्यादा पढ़ाई किसने की? ऐसा तो कोई नहीं है कि 150 लोग में जिसे बाहर नौकरी लगी हुई है, ऐसा तो कोई नहीं पढ़ा हुआ। मगर जो अपना हिसाब किताब के लिए काफी लड़के जानते हैं, मगर उतना खास कोई नहीं पढ़ा हुआ। मतलब बीए, बारहवीं, एमए क्या किया? ऐसा कोई नहीं है। बारहवीं भी किसी ने नहीं किया? ना जी। दसवीं हाई स्कूल भी नहीं किया किसी ने? ना जी। तो किस क्लास तक बच्चे मतलब पढ़ते हैं अभी? अभी जो पहले के बच्चों ने पांचवी तक पढ़ा, पांचवी तक पढ़ा, उसके बाहर कोई नहीं पढ़ता है? उसके बाहर क्या करते हैं उसके लिए? क्या पेशा है आप लोगों का, क्या काम करते हैं? हमारा दूध का काम है जी, तो जंगल में भैंस भूस चुकानी है, बस यही काम। इसके बारे में सोचते हैं कि स्कूल होना चाहिए कुछ बच्चों का, बच्चों की पढ़ाई मिलनी चाहिए? जी जी सोचते हैं। तो उस पर क्या क्या राय बनती है आप लोगों के बीच में जब आपस से बात करते हैं? हमारे जो यहाँ के एक तो बिम्बर है, बिम्बर साहब, एक इधर में है, उसे हम ऐसे नेता कहते हैं। अच्छा। वो दोनों मिलकर वो कुछ बात नहीं करते हैं, पढ़ाई लिखाई कोई बात नहीं? ना जी। तबीयत अभी किसी खराब होती है तो कहाँ अस्पताल, कहाँ लेके जाते हैं? वह कभी लेमन के ले जाते हैं, ये विकास नगर में जो है। जी जी। कभी ले जाते हैं। बताइए और कोई चीज आप, जैसे अब इलेक्शन आपके सामने आ रहा है तो आप लोग किसको वोट देंगे इस बार, क्योंकि सब हालत तो सबकी वही है? जी जी, जो बताते हैं जो भी मांगना आ जाएगा उसी को दे देंगे। तो मांगने सभी आएंगे? अभी तक तो आए नहीं। अभी तक कोई नहीं आया? नहीं जी, अभी तक तो आए नहीं। अभी सीजन पूरी तरह से शुरू नहीं हुआ है जी। उसे हम वोट कांग्रेस पार्टी को देते हैं। कांग्रेस पार्टी को देते हैं? कोई खास वजह है कांग्रेस पार्टी को देने के लिए? और या पहले से उन्हीं को देते आ रहे हैं? नहीं नहीं, कोई खास वजह भी नहीं। वो इमरान नेता है, उन्हें कहा था हम तुम्हारा सुधार करेंगे। ठीक है। हम हर एक पार्टी को बदल बदल के वोट देते हैं, कोई ना कोई तो फायदा करेंगे। तो जो फायदा नहीं हो रहा था फिर सबको। पिछली बार किसको दिया था आपने? हमने कांग्रेस को दिया था पिछली बार। तो फायदा तो हुआ? नहीं हुआ, नहीं हुआ, कोई फायदा नहीं। आपको अभी उम्मीद है थोड़ी? उम्मीद कुछ नहीं है। तो फिर से कांग्रेस को देखें आप? तो कोई और पार्टी आई तो देखेंगे जो भी। खालिद, वन क्वेश्चन, इन्होंने जो बताया इस इलाके में सो मेनी पीपल, डू दे ऑल बिलोंग टू द सेम कम्युनिटी और कास्ट? सब ये जितने लोग हैं सब गुजर, वन गुजर बिरादरी से आते हैं ना? जी जी। थोड़ा अपने बारे में बताइए, जैसे वन गुजर बिरादरी है तो आप लोग ज्यादातर दूध के और इसी पेशे में हैं ज्यादातर लोग? हाँ जी, बस यही पेशा, पत्ती पुत्ती काटते हैं जंगल में, तो बैसों को चुगाते हैं। अच्छा, ये बताइए शादी पे आप लोग आपस में ही होता है सब लोग? आपस में होती है, वन गुजर में होती है। वन गुजर में ही होती है? जी जी। तो ये जो गुजर होते हैं और वन गुजर, इसमें फर्क क्या होता है? इसमें फर्क है, हमारी भाषा में थोड़ा फर्क है। तो नीचे जो गांव वाले हैं, एक देसी गुजर होते हैं, एक वन गुजर होते हैं, तो उनकी भाषा देसी हिंदी में। अच्छा। हमारी भाषा आ गई जम्मू में। आज आपकी कश्मीर से मिलती है? जी, जबान जो है। जी। तो ये वन गुजर तो कश्मीर तक फैले हुए हैं, जम्मू से कश्मीर तक फैले हुए हैं? काफी लंबे तक। जी। तो यहाँ के जो देसी हैं, देसी गुजर जो हैं, उनसे आप लोगों को कोई रिश्तेदारी नहीं होती? ना, कोई रिश्तेदारी। वो अलग हैं और आप लोग अलग हैं? हम अलग हैं। ठीक है। तो ये फिर नाम गुजर उनका भी है, आपका भी नाम गुजर है, इसका फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना ही है, देसी गुजर आगे, तो हम आप विदेशी हैं ना? हम कहते हैं उन्हें देसी गुजर। अच्छा। तो हम आगे वन गुजर, जंगली गुजर। जंगली? अच्छा जी। अच्छा, तो हमारी देसी मुर्गा और जंगली मुर्गा वाला मामला। हाँ जी। अच्छा, ये मामला है। अच्छा, ये बताइए जो हाफिज जी पढ़ाने के लिए आते हैं बच्चों को यहाँ पे, क्या आप उसकी सैलरी देते हैं या ऐसे ही आ जाते हैं? ना, सैलरी देते हैं हम उसकी। सैलरी कैसे दे पाते हैं आप? जैसे जितने घर से भी बच्चा होता ना, उसी बच्चे की फीस होती है उतने पैसे। अच्छा। तो महीने के 6,500 रुपए। आप लोग सब जमा करते हैं उससे, फिर चंदा उनको देते हैं? जी जी। 6,500। कुछ टीचर भी आए हैं कभी हिंदी या इंग्लिश पढ़ाने के लिए? ना, ऐसा कोई नहीं आया। पहले आए थे, 3-4 पहले आए थे, हॉस्टल वालों ने छोड़े थे मास्टर, तो उन्हें पढ़ाए बच्चे एक दूसरी तक, तो बच्चे में समझ में नहीं आया खास किसी का। फिर जैसे 7-8 दिन आ गए तो 7-8 दिन नहीं आए, तो फिर ऐसे क्या पढ़ाई होगी, जो पढ़ रखा भी भूल गया, तो आए बस 1 साल है। जैसे बासी बाग में सरकारी स्कूल है ये, क्या वहाँ पर आपने भेजने की इनको कभी कोशिश की? ना जी। क्यों क्यों नहीं की? बस ही नहीं की, बच्चे अनजान है। बच्चों को लाने ले जाने का चक्कर है? हाँ जी। कोई बस वस हो या कुछ उस तरह का हो तो जा भी सकते हैं? तो जल्दी से यहाँ से गाड़ी वाला भी नहीं बैठा सकता। सही बात है। जैसे आप लोग सुबह दूध लेके जाते हैं तो ये आसानी हो सकती है आपके बच्चों को भी लेके जा सकते? हम दूध लेके जाते हैं 12 बजे, तो स्कूल तो सुबह 8 बजे लगता है, तो 12-1 बजे छुट्टी हो जाती है स्कूल की।
अच्छा ये जो अभी जो एक बड़ी चीज हुई नोटबंदी, जी जी, इसका कोई असर पड़ा आप लोगों को? ना जी, हम पे क्या असर पड़ता है, हम तो नोटी नहीं है तो असर क्या होगा? नोटी नहीं है तो बिजली, और ये बिजली आ रही है नहीं आती आपके? नहीं आती बिजली, भी नहीं है, पानी भी नहीं है सर? पानी भी नहीं है। तो कहाँ से इंतजाम, ये नदी है, इसी से इंतजाम होता है पानी का? पानी का अपना खड्डा खोद कर लगा रखा है, लगा रखा कुआं टाइप का? हाँ जी, कुआं टाइप का, कुआं टाइप का। फोन वोन के बारे में क्या, मतलब आप फोन चलाते हो यहाँ पे? चलाते हैं, मगर वैसे किसी को फोन फोन करना है इमरजेंसी, मतलब बासे बाग जाना पड़ता है यहाँ पे, कोई तो रेंज फोन ट्रकिंग चार्ज कैसे करते हैं? चार्ज भी बासे बाग बासे बाग करके लाते हैं। बाय चांस रात को कोई ऐसी प्रॉब्लम हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई सिचुएशन ऐसी बन जाए कि हम लोग मतलब परेशान हो जाए, तो उस सिचुएशन में आप डॉक्टर को कैसे बुलाते हैं? रात को कोई ट्रैफिक वगैरह नहीं जाते हैं जी? बाइक से जाते हैं, बाइक से उसको बुला कर ले आते हैं। इमरजेंसी डॉक्टर की जरूरत पड़ी तो रात को, जैसे इमरजेंसी डॉक्टर की जरूरत पड़ी तो रात को जाना पड़ता है बाइक से, तो फिर या नहीं तो गाड़ी करके लानी पड़ती है किराए पे, तो फिर वहीं ले जाना पड़ता है हॉस्पिटल में।